हेलो फ्रेंड्स, गांव की सिलाई में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो यहाँ पर हमें बेल्ट ब्लाउज के 4 टक्स निशान लगाए हुए हैं, आज इसकी हम सिलाई करके बताएंगे, जो सिलाई करने का बिल्कुल परफेक्ट तरीका होना चाहिए। तो आज इसी को हम सिलकर बबताएंगे। तो हमने यहाँ पर 4 टक्स के निशान लगा लिए हैं और इस तरह आपको पहले निशान को हम सिलते हैं और इस तरह आप पकड़ लेंगे निशान को। पकड़ने के बाद यहाँ से आपको आधी इंच कपड़े को पकड़ना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा कपड़े को पकड़ लेते हैं या फिर बहुत बारीकी बिल्कुल कपड़ा पकड़ते हैं, तो ये गलत बात है। यहाँ से आपको आधी इंच कपड़े को पकड़कर इसे आराम से बारीकी से उतार देना है। तो आप वीडियो में देख सकते हैं हमने सिलाई को किस तरह लगाया है, यही है परफेक्ट तरीका सिलाई लगाने का। अब चलते हैं हम मेन डार्ट्स की तरफ। ये हमारा मेन डार्ट है जो ब्लाउज की कटोरी उभारने में मदद करता है। तो इस तरह हम इसको पकड़ लेंगे और यहाँ से आपको 1 इंच, यहाँ से देखिए हम चाक से निशान लगा रहे हैं। हमने यहाँ पर 1 इंच किनारे से कपड़े को पकड़ा है, फिर उसके बाद डायरेक्ट लास्ट में हमने उतार दिया है। तो इस तरह जब तक आपकी कटोरी उभर कर नहीं आएगी तब तक अच्छा नहीं लगता है बेल्ट वाले ब्लाउज की सिलाई। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारी कटोरी कितनी उभर कर आई है, बिल्कुल कहीं से भी कोई मोचा या खोचा टाइप का नहीं निकला हुआ है कपड़े में। अब चलते हैं हम तीसरी डॉट्स की तरफ। तो इसे भी यहाँ से हम पकड़ लेंगे और आधी इंच सिलाई यहाँ से उठाएंगे और इसे यहाँ पर सिलते सिलते आराम से आपको बारीकी उतार देना है लास्ट में। इस तरह अगर आप डॉट्स के सभी निशान लगाएंगे तो प्लेट्स बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होते हैं। अब ये हमारा चौथा प्लेट्स है, अब इसे भी हम पकड़ लेंगे इस तरह और यहाँ से आपको ये जो यहाँ की साइड है यहाँ से आप आधी इंच या 1 इंच भी उठा सकते हैं, आपके कपड़े के हिसाब से होता है। तो यहाँ पर देखिए हमने आधी इंच ही उठाया है कपड़े को और यहाँ लास्ट में हम आराम से उतार देंगे। तो हमने चारों प्लेट्स के निशान अच्छे से वीडियो में कवर किया है, आप देख सकते हैं। अब इसे हम सीधा करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हमारी कटोरी बिल्कुल उभर कर आई है, अब बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हुई है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।